शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक दोनों देशों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस संकट की घड़ी में भारत ने तुर्की में सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी है। तुर्की सीरिया के विनाशकारी भूकंप में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए तलाश अब भी जारी है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भूकंप के तेज झटकों ने हजारों इमारतों को तबाह कर दिया। तबाही का मंजर इतना भयावह था कि बचावकर्ताओं ने जीवित बचे लोगों के रेस्क्यू के लिए नंगे हाथों से ही खुदाई करनी पड़ी। दर्जनों देशों ने 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की की सहायता का वादा किया है। तो आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। ये भूकंप तब आया जब लोग अभी भी सो रहे थे और ठंड के मौसम में राहत कार्य और इमरजेंसी सेवाओं को और मुश्किल बना दिया गया। तुर्की में लोगों से भरे कई बहुमंजिला अपार्टमेंट मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। साथ ही सीरिया में भी कई इमारतें ढह गई। एलेपो के पुरातात्विक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा। दक्षिण पूर्वी तुर्की शहर कहामन मारस में एक 23 वर्षीय रिपोर्टर मेलिसा सलमान ने कहा, यह पहली बार था जब हमने ऐसा अनुभव किया। सीरिया के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के प्रमुख रायद अहमद ने इसे देश के इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप करार दिया। शुरुआती भूकंप के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स आए, जिनमें 7.5 तीव्रता का भूकंप भी शामिल है, जिसने सोमवार को खोज और बचाव कार्य में और खलल डाल दिया। दक्षिण पूर्वी तुर्की के शहर सनीलुफा में बचाव कर्ता रात में काम कर रहे थे और 7 मंजिला इमारत के मलबे से जीवित बचे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तापमान शून्य से नीचे गिरने के बावजूद शहर में सहमे हुए लोग आग के चारों ओर घूमते हुए सड़कों पर रात बिताने की तैयारी कर रहे थे। 55 वर्षीय शख्स ने AAFE को बताया, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम घर नहीं जा सकते, हर कोई डर रहा है। सरकार और बचावकर्ताओं ने कहा कि सीरिया में सोमवार को कम से कम 1,444 लोग मारे गए। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के कुल मौतों का आंकड़ा कम से कम 5,000 तक पहुंच चुका है। भूकंप के झटकों से क्षेत्र में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। भयभीत और पूरी तरह से थक चुके बचे लोगों ने घरों के बाहर ही रात बिताई। कई लोग अपने घर जाने से भी डर रहे हैं। कुछ लोगों ने बस शेल्टर के नीचे आसरा लिया। कुछ ने बर्फीली बारिश से खुद को बचाने के लिए प्लास्टिक में लपेट लिया, जबकि कईयों ने गर्माहट के लिए मलबे को ही जलाया। तुर्की की राहत एजेंसी MFAD ने 3,381 लोगों की मौत का न्यूनतम आंकड़ा रखा है, जिससे तुर्की और सीरिया दोनों में 4,890 मौतों की पुष्टि हो गई है। इस बीच तुर्की ने 7 दिन के शोक की घोषणा की है। सर्दियों के बर्फीले तूफान से बचाव में बाधा आ रही थी, जिसने प्रमुख सड़कों को बर्फ से ढक दिया। अधिकारियों ने कहा कि भूकंप ने क्षेत्र में 3 प्रमुख हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे महत्वपूर्ण सहायता की डिलीवरी जटिल हो गई है। US जियोलॉजिस्टिक सर्वे ने कहा कि सोमवार का पहला भूकंप तुर्की के शहर गंजिया टेप के पास लगभग 18 किलोमीटर 11 मील की गहराई पर सुबह 4:30 आया, जो लगभग 20 लाख लोगों का घर है। सीरिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने एलेपो, लातकिया, हमा और टार्टस के प्रांतों में क्षति की सूचना दी, जहां रूस एक नौसैनिक सुविधा को पट्टे पर दे रहा है। यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल 2 शहरों सीरिया में एलेपो और तुर्की में दियाबाकरी में भारी क्षति पर चिंता व्यक्त। डेनमार्क के भूवैज्ञानिकों संस्थान ने कहा कि तुर्की में आए मुख्य भूकंप के करीब 8 मिनट बाद भूकंप के झटके ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर महसूस किए गए। इस मुश्किल घड़ी में तुर्की की मदद के लिए भारत की तरफ से भी NDRF की टीमें भेजी गयी। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। साथ ही भारत ने इस त्रासदी से निपटने में मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया है। PM मोदी ने कहा कि भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।